सनी काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वो डरा हुआ भी है, क्योंकि मीरा जो है बहुत टेढ़ी चीज़ है, और मीरा डरने की बजाय उसको धमका रही है फुल कॉलर पकड़ के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे कि मीरा है एक्चुअल में, वो उससे डर नहीं रही है, और उसको और मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे सीन्स करने में जब किसी को कॉलर वॉलर पकड़ने होते हैं और सुनाना होता है, तो वही चीज़ करने को मिल रही है, तो इट्स फन टू शूट। एंड वो डर नहीं रही है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सबके सामने मैं प्रूव कर सकूँ। जी वो सनी एक्सचेंज कर देता है, जो कि उसकी प्लानिंग होती है अगेन। विवान कुछ प्लान करता है कि हम लोग मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, अब हम भाग सकते हैं या कुछ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सनी शिफ्ट कर देता है। सनी की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग होती है जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये होने वाला था, बिकॉज मुझे पता है कि उसकी शादी विवान से हुई है, खाली मुझे पता है और मीरा को पता है और विवान को पता है, और दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनकी शादी हुई थी, क्योंकि फ़ोन मेरे पास है। तो अब देखते हैं कि क्या विवान क्या करता है अपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो उसने मीरा से शादी की है, बट सनी बिंग सनी उसके पास और एक प्लान है। ये आई थिंक सनी का यही एजेंडा था, तो जब वो आया था यहाँ पर कि वो विवान को किसी तरीके से हर्ट पहुँचाए, तो अभी तक उसने उसकी बहन और उसकी माँ को हर्ट किया, तो आई थिंक उसका प्लान है कि विवान को और हर्ट हो, कि अगर विवान देखेगा कि मैं मीरा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या मैं उसके आजू बाजू हूँ, तो ऑफकोर्स विवान को बुरा लगेगा। एंड आई थिंक दैट्स माय वो चिट्ठी तो खुल के पता चलेगा क्या लिखा था उसमें, क्योंकि मेरे को पता था कि विवान ने उसको कुछ बोला है करने के लिए, और इसलिए मैंने एक्सचेंज की ताकि अब पता चले कि अब मीरा के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने अपना दूसरा कार्ड रख लिया आगे। सो लेट्स सी, अगर वो लोग दो कदम आगे तो मैं तीन कदम आगे हूँ।